सब बहन भाइयों को। मरिंडा आ गई। वाह भाई वाह, ठंडी है। सरप्राइज, इसकी भी शादी आने वाली है, आप सबने जरूर इंतजार करना है, कल या परसों इसकी बात कर लें। सब बहन भाइयों से दरखास्त है, इस वीडियो को और भी पिछली वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं, 200 घंटा है, आप सब मेरे देखने वाले जरूर आए। आज वीडियो को फुल लगा के रख दें, चाहे ना भी देखें वीडियो लगी रहे। हाँ जी, चैनल मोनेटाइज होगा तो जो है ना वलीमे का प्रोग्राम बनेगा। उल्टी लग गई थी। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिल्कुल फूलों की तरह चमकते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बाकी घर वाले भी माशाल्लाह ठीक है। जो बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिल अता फरमाए। जो बे औलाद है, अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। जो बेरोज़गार है, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है। मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करना है। माशाल्लाह जी, आज जो है ना हमारे घर मेहमान आए हुए हैं बहुत दूर से, और आपको दिखाते हैं कि मेहमान कौन है। और अभी जो है ना मुझे अभी पता चला है, क्योंकि आज गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आज दूसरा दिन है, बिल्कुल जो है ना जैसे बारिश हो रही है ना, हब्बस जो है बनी हुई है इधर हमारे यहाँ, इधर बारिश नहीं हुई ना, तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकलो ना, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं। तो देखें मौसम बिल्कुल दरख्त के जो है ना पत्ते भी नहीं हल रहे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज हमारे घर मेहमान कौन आए हुए हैं, और आपको इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे और आप देख कर हैरान हो जाएंगे। और अभी चलते हैं, और सब बहन भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, तो ताकि हमारी कुछ हेल्प हो सके। जैसा कि थोड़ा सा वॉच टाइम रहता है, तो सब बहन भाइयों से रोज़ जो है ना मैं यही गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, और उम्मीद है कि सब बहन भाई इंशाल्लाह मुकम्मल वॉच करेंगे। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि मेहमान जो है हमारे घर कौन आने वाले हैं। और अभी जो है ना मेहमानों के लिए मैं ये मरिंडा की जो है ना जंबो लेके जा रहा हूँ, और मेहमान जो है हमारे घर बैठे हुए हैं। गर्मी जो है ना आज बहुत ज़्यादा है, तो बर्फ़ तो कहीं नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा ये जो है ना बोतल ले आऊँ मरिंडा की। तो अभी लेके जा रहा हूँ, और अभी उधर चलते हैं, दिखाते हैं कि मेहमान जो है हमारे घर कौन आए हुए हैं। जी ये देखें सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत सिया ठीक है, माशाल्लाह करम है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत सिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, मरिंडा आ गई। हाँ जी। वाह भाई वाह, ठंडी है। हम तो क्या है, ठंडा पानी पिला दो, आपने क्या है, बर्फ नहीं मिलती, मैं बोतल ले आता हूं। बर्फ नहीं मिलती ना, तो बर्फ का भी खर्चा होता, ये कोई खर्चा है? 10 रुपए की आती है। 10 रुपए की, वो दौर थे 10 रुपए वाले, आज कल नहीं आती। और चाचू भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो, तबीयत या ठीक है। और ये आपकी ना फरमाइश पे ले आया हूँ शॉप पे, शॉप वाला कहता है कि ये बोतल नहीं है हमारे पास, तो मैंने सारी बोतलें निकलवाई फ्रिज से, नीचे एक यही पड़ी थी। किस्मत थी आपकी, शौक से पीते हैं दूसरी बोतलें, लेकिन हम पीते नहीं हैं, अगर पीने भी पड़े मजबूरी में, जैसे आपने मजबूर कर दिया, तो फिर ये पीना। हाँ जी ये ठीक है, बोतल जूस है समझो। और इधर जो है ना एक और सरप्राइज भी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाओ पी लो पानी। मैं आपके लिए एक और बात बताऊं, आपके व्यूअर को सरप्राइज दूं। सरप्राइज, इसकी भी शादी आने वाली है, आप सबने जरूर इंतजार करना है, कल या परसों इसकी शादी हो रही है। शादी, हाँ दूसरी शादी, दूसरी शादी कर रहा है, अचानक से सरप्राइज, क्योंकि पहले वाली जो बीवी थी ना उनके अब्बू जान नहीं मान रहे थे, तो मैंने कहा दूसरी शादी जो है ना करते हैं, फिर जो है ना व्लॉग में आएगी, वाइफ के साथ फैमिली पक्का चैनल बना रहा है, पहले अम्मी के साथ था। पहले मैंने ये कहा है कि मेरा वॉच टाइम सब बहन भाई पूरा करेंगे तो मैं दूसरी शादी करूंगा, बस पूरा होने आज की वीडियो में 200 रहता है, तो आज की वीडियो देख लें पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो फुल वॉच कर लें,
साफ बैंक भाइयों से दरख्वास्त है इस वीडियो को और भी पिछली वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि इसका 200 घंटा वाच टाइम रहता है वो जल्दी से मुकम्मल हो जाए। उसके बाद ये शादी करने वाला है और अपनी फैमिली व्लॉग स्टार्ट करने वाला है, इसकी वाइफ भी आ जाएगी, सब वीआईपी माहौल बन जाएगा फिर। और पहली ये है कि ये वाच करेंगे 4000 घंटा पूरा होगा फिर जो है ना शादी करूंगा इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं, 200 घंटा है, आप सब मेरे देखने वाले जरूर आए। आज वीडियो को फुल लगा के रख दें, चाहे ना भी देखें वीडियो लगी रहे, बस खुद ब खुद इसका वाच टाइम पूरा हो जाएगा। हाँ जी, चैनल मोनेटाइज होगा तो जो है ना वलीमे का प्रोग्राम बनेगा। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं, इसका वलीमा पता है कैसा होगा? सब्जी दाल वाला होगा, अजीब अनोखा वलीमा होगा। ठंडा जो है ना, ठंडा होगा वलीमा। हाँ जी, गर्मियों में हुए वलीमा। हाँ जी, चाहे गर्मी होगी तो ठंडा ज्यादा होगा वलीमे में। हाँ जी, सब ठंडा मिलेगा, ठंडा मिलेगा। तकलीफ हुई तो नल का मोटर चला देगा, नहीं तो वो चार पाई वाला स्विमिंग पूल भी बना देंगे। बर्फ भी आ जाएगी, यहाँ चीज नहीं है, इतना कमी देता है, आप लोग को उधर नहला देगा। इधर जो है ना, ये मजे की जो है ना, खुशी की बात है, पानी जो है ना बहुत ठंडा है। हाँ जी, पानी बिल्कुल भी है, तो इसी वजह से जो है ना बर्फ नहीं मिलती, इसके पे गुजारा तो चल रहा है हमारा। अल्लाह पाक देगा, बिजली है, अल्लाह पाक फ्रिज भी देगा इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। दुआएं इंशाल्लाह किया करो, अल्लाह पाक जरूर दुआ है इंशाल्लाह आपके घर भी फ्रिज आएगी। और फ्रिज का ये होता है कि जैसे मोहसिन के घर फ्रिज आई है ना, हाँ जी, बर्फ उसकी पूरी नहीं होती, अल्लाह करे आपके घर फ्रिज आ जाए फिर आपकी बर्फ पूरी ना हो, ताकि हमसायों की मौजें लग जाए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि साफ इधर बिल्कुल ही वो है ना, फ्रिज नहीं है तो वो बर्फ महंगी है, देते नहीं बर्फ इधर, फिर मिलती भी नहीं है क्योंकि इधर कोई नाल शहर सिटी नहीं है। हाँ जी, हमारे यहाँ तो शहर है, सिटी है, दो दुकानें हैं, उसमें सिर्फ बस सब्जी और राशन वगैरह दूसरा मिलता है। शुक्र करो खाने पीने का तो मिल रहा है जी, ये ना होता फिर जो ही जाना, यही शुक्र करते हैं अल्लाह का कि दो दुकानें तो हैं, काफी दूर है ना, अगर बर्फ ले भी आए कोई उधर से पत्ती खत्म हो जाएगी, इधर तक आते तक वो गर्मी पड़ रही है। और इधर से भी मैं ले आता हूँ, आजकल जो गर्मी पड़ रही है, पहले वो मुजाहिद के पास जाता था ना, मुजीब के, तो ले आता था इधर तक, आता था कहते थे ये 10 रुपए की ले आया हूँ, मैं 50 रुपए की ले आता था। गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को फुल सपोर्ट करें, और पिछली बार भी मैंने बोला था, प्रैंक भी किया था, बेचारे को बहुत लगी थी, मैंने भी बोला था आप लोगों को, और आज मजीद बोल रहा हूँ कि इस चैनल को फुल सपोर्ट करें, 200 घंटा वॉच टाइम रहता है, ताकि मैं कल वापस आऊँ, ये मुझे खुशखबरी दे के चाचू मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है इंशाल्लाह। आपने इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करनी है, और अगला जो माहौल इसका आने वाला है वो फिर फैमिली व्लॉग आने वाला है। आप लोग अभी सोचते होंगे कि अकेला है क्या, इसकी वीडियो देखे फैमिली, जैसे फैमिली देखती है, तो आप सबने ना इसी दो एक दो वीडियो पे थोड़ी सी मुशक्कत करनी है, वीडियो लगा के रख देनी है, इसका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है ना ये फिर फैमिली व्लॉग स्टार्ट कर लेगा, इसकी वाइफ भी आ जाएगी, अम्मी वैसे भी इसके साथ होती है, बाकी सारी फैमिली है, फैमिली वैसे इसके आ जाएगी, और फिर ये इसका फैमिली व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे फिर आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी कि पूरा फैमिली का अपना कल्चर से यहाँ का खाना पीना सब दिखाता रहेगा, तो आप सबने जरूर सपोर्ट करनी है इंशाल्लाह। तो आप कहाँ जा रहे हैं आज? मैं यार आज घर जा रहा हूँ वापस। क्या वजह? कल फिर वापसी आओगे? कल फिर इनको उठाने आऊँगा ना। अच्छा, दो चक्कर लगेंगे मेरे। आपकी फैमिली सारी जा रही है? मैं तो कहा तो कल जो है ना फिर वलीमा जो कर रहा हूँ वो तो शादी है ना, वलीमे के टाइम तो आ जाऊँगा। अच्छा, आपके वलीमे के टाइम मैं सारूंगा आपके। ठीक है, ये टाइम से छोड़ो इंशाल्लाह, अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा, बाकी है दुनिया तक इंशाल्लाह। हाँ, 200 घंटा वॉच टाइम पूरा करा दे वलीमे के लिए, कल आ जाए, सही हो गया इंशाल्लाह, हो जाएगा, हिम्मत है, मदद मत दे खुदा इंशाल्लाह। और ये बोतल अभी है, बाकी ये कौन पिएगा? वो फिर ज्यादा नहीं। और इधर दे दो, नहीं बस एक एक छोटा सा गिलास पिया है, गर्मी देखो कितना, असल में ना शादी की थकावट है ना, तो इसी वजह से इसको ठंडी ठंडी बोतलें पिलाओ, फ्रेश हो जाए, ये बचा के रख देंगे फिर जब उसको
पता नहीं, ये पता नहीं है, बोतल नहीं रोकी मेरे ख्याल से, बोतल नहीं रोकी। और शादी की जो है ना थकावट है ना, इसी वजह से बहुत है, मेरे ये बाजू दुख रहे हैं, झुमर लगा है ना, थकावट है। अभी फरूख भाई भी शादी गुजार रहा है, आप भी शादी कर रहे हो, फिर आपको ज्यादा थकावट होगी, एक शादी की उधर से थकावट, फिर अपनी शादी की थकावट। इंशाल्लाह थकावट नहीं होगी, मेरी शादी दूसरी टाइप की है, मैंने कहा है ना, एक तो ठंडी होगी और एक तो बस जल्द जो है ना 20 मिनट की मेरी शादी होगी, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, 20 मिनट की शादी होगी, 20 मिनट की शादी होगी और 10 मिनट का वाली मांग, 10 मिनट का, 30 मिनट लेट भी हो जाए तो आपकी 30 मिनट जो है ना चाहिए आपको, आधा घंटे में शादी हो जाएगी, वलीमा हो जाएगी, वलीमा भी हो जाएगी। जदीद दौर में गर्मियों में ना ऐसे करनी चाहिए वैसे शादी, 30 मिनट की, आधे घंटे की, और अच्छी बात है। चलो जी, मुझे इजाजत दें, मैं जाता हूँ, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो बाकी इंशाल्लाह साथ ही हैं, और अल्लाह दुआ करते हैं सफर को आसान बनाए और खैरियत से पहुँच जाए, आमीन आमीन साथ, और ये हमारी दुआ है, और जब पहुँच जाओ तो बताना जरूर, ठीक है ना, रात आप उधर, हम यूट्यूबर के यही तो फायदा है, हाँ जी, पता चल जाता है किधर गए हुए, आवाम को पता चल जाता है कि किस जगह पे, हाँ जी, कोई कहता है ना आज ना उधर गए हुए, जब आप गए हुए थे ना टूर पे, तो कहते थे आज जो है ना मरी जा रहे हैं, दिखाना जरूर भी लोग देखेंगे मरी कैसा है, तो मैंने चला दिया, मेरे कहा देख लो मरी, देख लो इस्लामाबाद भी देख लो, रावलपिंडी भी देख लो, यही चीज है यूट्यूबर की जिंदगी कैसी है कि वो जहाँ भी जाए उसको कॉल नहीं करनी पड़ती, पता लग जाता है हमको कि आप कहाँ हैं, हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ होती है। ओके हो गया जी, ओके हो गया, यार यार अभी जो है काफ़ी शाम हो चुकी है और लेट जो है बहुत हो गया, लेट इसी वजह से हुई है क्योंकि आज गर्मी जो है ना हाथ से ज़्यादा थी और बर्दाश्त से जो है ना काम बिल्कुल ज़्यादा हो गया था, तो अभी तक भी दरख्त बिल्कुल निहाल रहा है, ये देखें दरख्त देखें बिल्कुल निहाल रहा है, और बारिश का कहा था आज बारिश भी नहीं आई, तो इसी वजह से हम भाग गए थे स्विमिंग पूल पर, क्योंकि हमने कहा उधर से नहा के आए स्विमिंग पूल से ताकि कुछ गर्मी जो है ना कम हो जाए, तो स्विमिंग पूल इतना दूर था कि उधर से नहा के आए हैं, तो फिर जो है ना आते आते फिर पसीना पसीना हो गए हैं, तो अभी अभी आप पहुँचे हैं, और ये वॉशिंग मशीन जो है ना, हाँ ये वॉशिंग मशीन आई हुई है ये, क्योंकि आज सिस्टर ने एक बार जो है ना हमारे नलके पे कपड़े धोए हैं, तो उसकी जो ये कलाइयाँ हैं ना ये बिल्कुल ऐसी टेढ़ी हो गई हैं कपड़े धोते धोते, तो इसी वजह से जो है ना ये सिद्रा मोशन वालों के हाथ है, ये सिस्टर नादिया सिस्टर ले आई थी वॉशिंग मशीन, आज इस पे लगता है कपड़े धोए हैं, और उसके साथ साथ जो है ना अपना मेरी बेगम के भी मज़े हो गए और भाभी साहिबा के भी मज़े हो गए, उन्होंने इधर धोया है, मेरी बेगम ने भी इधर धोया है, और वॉशिंग मशीन जो है ना किराए पर आई है, और अभी जो है ना शाम को ये मोथन वालों के घर पहुँचानी है, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वॉशिंग मशीन जो है ना दे दिया, नहीं तो कौन देता है आजकल के ज़माने में कोई अपनी इतनी कीमती चीज़। ये देखें ये है सिद्रा मोशन वालों की वॉशिंग मशीन, और अल्लाह पाक उनको इससे भी ज़्यादा तरक्की दे, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, और जो चीज़ जो है ना हमें चाहिए वो देते हैं, वो यही कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हमें दे रहा है, क्या पता किसके जो है ना ज़रिए से दे रहा है, ये तो पता नहीं है ना किसके जो है ना, अल्लाह पाक को एक बंदा पसंद हो उससे भी ज़्यादा जो है ना बरकत अल्लाह पाक घर में कर देता है, तो अभी जो है चलते हैं किचन में देखते हैं कि आज क्या बना रहे हैं, और अकरम भाई नादिया सिस्टर जो है गए हुए हैं मोहसिन वालों के घर, तो अभी जो है देखते हैं आज क्या बना रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से कि आज जो है ना सब्ज़ी मैं नहीं ले कर आया था, तो देखते हैं अभी कुछ बना रहे हैं या नहीं बना रहे। चला जी ये देखें आटा जो है तैयार हो गया है, और इस पर जो है ना कोई चीज़ दे दें ढक दें ताकि ये देखें मक्खियाँ जो है ना तंग करेंगी, कोई चीज़ नहीं है इधर, और अम्मी जान जो है किचन में बैठी हुई है मिसाला बना रही है, हाँ आज किचन में क्यों बैठी हुई हो? चने की दाल, हाँ। आप बना रही हो क्या? हाँ बेगम किधर गई है मेरी? बेगम छोकरी की तबीयत खराब है, छोटी तबीयत खराब थी किसकी? हाँ, निकली हो हानिया दी। हानिया की ना। तो उसको उठा के गए, दवाई नहीं ली फिर? नहीं। क्या वजह? गर्मी की वजह से उल्टी लग गई थी। हाँ, अच्छा अच्छा तो कुछ सही बात है। अच्छा, हाँ आपने कहा अट्टा शटर बना दे, चलो मकुनी पका है,
काम ना किया करो ना, पहले भी आपको कहा है कि अभी जो है ना आपको देर है, एक महीना पूरा काम नहीं करना है। हम क्या करूं, मजबूरी तौर पे जाओ कभी जाओ का टाइम दे दिया तो वाला करा पा नहीं है। चलो अल्लाह खैर करे। तो ये सूखे धनिये, सूखे धनिये, और इसमें क्या है लहसुन, हां ये लहसुन, और इसमें क्या है टमाटर और मिर्चें, प्याज, टमाटर और प्याज और मिर्चें। और आज जो है ना हम बना रहे हैं चने वाली दाल, इसको दिखाना थोड़ा सा गर्म लग रही है। चने वाली दाल जो है उबल रही है, ये देखें, और उबल गई है, गाल गई है या अभी देर है? बस बनी हुई है, थोड़ी देर है। बन गई है, मतलब ये भुनाई करे था। भुनाई करोगे फिर? हाँ जी। ठीक हो गया जी। और इधर जो है आटा आप क्यों ले आई हो, और एक तो आपने आटा बना लिया था, दूसरा क्यों ले आई हो? ये ना थोड़ा सा काम था, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा और डाल दूं। थोड़ा सा काम था? कैसे पता लग गया आपको कि ये इतना थोड़ा सा काम है? क्योंकि हम बनाते हैं ना, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये ज्यादा है या कम, रोज की रूटीन के मुताबिक। चलो जी ठीक हो गया, जल्दी जल्दी बना लें क्योंकि मगरब का टाइम भी होने वाला है, ठीक है ना? याला जी। हानिया बेटा बीमार हो गई थी, गर्मी लग रही थी। वाह भाई वाह, हंसी तो सुनाओ, हंसी तो सुनाओ, थोड़ी सी थोड़ी सी हंसी तो सुनाओ। वाह भाई वाह, सुनाती है। और मुनाहल बेटा आपने ये हालत कैसी बनाई हुई है, मेरा सोना पुत्र है, पुत्र मेरा सोना है, क्या खेल रही हो? इधर आओ, बात मुझसे करो, गिर जाओगी। इधर आओ बेटा, सोना पुत्र बात नहीं करती, मैं आपके लिए वो नहीं ले आऊँगा, वो जो खाते हैं, क्या होती है वो, क्या होती है, शाये, हाँ इधर आओ बात करो, नहीं करती, नहीं करती बात, ऐसे ना करो, फिर बात नहीं करती तो ऐसे ना करो, गिर जाओगी, ठीक है ना? और इधर जो है उनैदा अबू के पास गई हुई है। उनैदा क्या कर रहे हो पुत्र हैं? बेटा क्या कर रहे हो, खेल रही हो? वाह भाई वाह, ये सोने सोने कपड़े आपके हैं, हैं? वाह भाई वाह, आपके तो सोने नहीं लग रहे, ये सारे मट्टी वाले हो गए हैं। सलवार भी है आपकी? वाह भैया, क्या पका रहे हो, क्या पका रहे हो आज, हैं? आपको पता नहीं है? और अबू जान आप सुनाए, तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है तबीयत, ठीक है। आज गर्मी कैसी थी, अभी तक तो आपको पसीना भी नहीं सूख रहा, पंखा इसी वजह से चलाया है और अभी पसीना भी नहीं सूख रहा है ना, ये बच्चे रो रहे थे गर्मी की वजह से, तो इसी वजह से पंखा चला दिया, मैंने कहा कि हवा लगेगी तो ये सही है। और खांसी हो गई है उन्हें, देखो खांसी हो गई है, वही मेरा सोना पुत्र ये मेरा सोना पुत्र है उनैजा है ना, हाँ जी। इब्राहिम जो है ना नहा के आ गया है, और सलाम कर दो सब बहन भाइयों को। स्टॉप नहीं करना चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को मुकम्मल वाच करना है। और तैयारी करके किधर जा रहे हो? हाँ हम के पास। मम्मी के पास जा रहे हो? हाँ। आपकी मम्मी किधर गई हुई है? मम्मी हाँ मोहसिन वालों के घर। हाँ। आप भी उधर जा रहे हो? हाँ। वाह भाई वाह, इधर खाना खाने आओगे हमारे घर? हम यहाँ पर सोएंगे आपके घर, और यहाँ पर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करोगे? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तो अभी वैसे जा रहे हो घूमने के लिए ना? किधर हमें छोड़ के चले जाओगे अपने घर? मैं आपको तो नहीं जाने दूंगा, कैसे जाऊंगा मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपकी अम्मी भी जाएगी और आपके अब्बू भी जाएंगे और आपकी दो बहनें भी जाएंगी, लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा, ठीक है? क्योंकि यार मुझे तो आप बहुत प्यारे लगते हो ना, ठीक है ना?
प्यारे लगते हो ना मुझे, मैं आपके अब्बू को कहूँगा कि इब्राहिम जो है ना 40 रुपए का मुझे दे दो, ठीक है? नहीं। इधर मेरे साथ रहोगे? इधर नहीं, नहीं रहोगे? क्या वजह? मैं आपको रोज जो है ना चाय लेके दूंगा, बोतल भी लेके दूंगा। कितनी चाय लेके दोगे? इतनी लेके देना। इतनी लेके दूंगा, ठीक है? ओके हो गया। तो प्यारे व्यूअर, जैसा कि शाम जो है ना काफ़ी हो चुकी है और अजानों का टाइम भी हो चुका है और हमारा व्लॉग जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना है और वीडियो को मुकम्मल वॉच भी ज़रूर कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।